वाराणसी तो विख्याता प्राचीन नगरी इयमेवल्पनी तरंगाया गंगाया पुरोहिता अस्या घटानां मलया कृति पक्ति धवल्यां चंद्रिकायां महुराधि अघटा पंचका पूज्यभ्य नित्यम अर्थायन अस्या घटानां च तो महां विदो इमां महो प्रचलन्तम् वाराणसी सुविख्याता वाराणसी अधि प्रसिद्ध प्राचीना नगरी प्राचीन नगरी है वाराणसी अधि प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है यह निर्मल सलिल गंगाया यह निर्मल जल की लहर वाली गंगाया हुई गंगा के तट पर गंगाया हुई गंगा के तट पर निश्चिता स्थित है आपके घटा नाम इसके घाटों की मरणा पक्षी घुमावदार आकृति पक्षी धवल्यां चंद्रिकायां स्वच्छ चारिणी में बहुराजते अधिक शोभा देती है अगणिता पर्यटका अगणित पर्यटक पूर्वभ्य देतभ्य दूर दूर के देशों से नित्य मतायन हमेशा यहाँ आते हैं आज घटका नाम इसके घाटों की क्या हो और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इमाम इसकी बहुत प्रसन्न बहुत प्रसन्नता करते हैं आज घटका नाम आज घटका नाम इसके घटों की शोभा सुंदरता को देखकर इमाम इसकी बहुत प्रसन्न बहुत प्रसन्नता करते हैं वाराणसी प्राचीन काला जन नीचे संगे काला दर्जे वाराणसी प्राचीन काला विद्याया विद्या जो द्योतते वाराणसी में प्राचीन काला से प्राचीन काल के वाराणसी में प्राचीन काल के गेहे गेहे घर घर में विद्याया विद्या जो विद्या का अलौकिक का द्योतते प्रकाशित है वाराणसी में प्राचीन काल के ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित है अधुना अवधि क्या ही समय ही अत्र यहाँ संस्कृत वाक धारा संस्कृत बाणी की धारा पत्तम प्रवाह निरंतर बहती है संस्कृत बाणी की धारा निरंतर बहती है ज्ञानानां च ज्ञानानां ज्ञान लोगों के ज्ञान को वर्धन करती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है अत्र अवधि आचार्य यहाँ आने का अध्ययन प्रचलित है।